जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने वन विभाग द्वारा आम जनता को डराने व धमकाने का आरोप लगाते हुए आज विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पैंथर्स कार्यकर्ता पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में वन भवन में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने विभाग की कथित तौर पर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वन विभाग द्वारा कई वर्षों से चल रही आरा मशीनों को गिराने की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि मासूम जनता को तंग किए जाने के बजाय वन विभाग को पहले उन मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने वन संपदा पर जबरन कब्जा किया हुआ है। पैंथर्स पार्टी यहाँ वन भवन के बाहर अपना प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है कि जहाँ गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है, वहाँ मिनिस्टर और MLAs जो है वो जंगलों की लूट जो है वो उसमें पूरी तरह से मलफिस हैं। ना केवल जंगलात की जगह को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एनक्रोच किया हुआ है, बल्कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है और बड़ी मात्रा में कॉनिफर ट्रीज और देवदार के जो दरख्त हैं उनको गैर कानूनी तरीके से काटकर अपनी कोठियों में इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। इसके बारे में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। हमने ये कहा था कि जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व्ड हैं और जिसका हर रोज चर्चा होता है, मीडिया में होता है, बाहर होता है, लेकिन आज भी वो मंत्री किस तरीके से बरकरार हैं, यही है मोदी जी का जो ट्रांसपेरेंसी का स्लोगन। और रामनगर का विधायक जो है उसने एक बहुत बड़ी कोठी अपनी अभी बनाई है जिसमें बड़ी मात्रा में देवदार जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और हमने एक महीने पहले शिकायत इसकी की थी, लेकिन विभाग ने ना कोई इंक्वायरी की ना उसके घर में रेड किया। अलबत्ता गरीब लोगों की जो 100 मिल्स थी वहां अटैक किया गया।